आज हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं थोड़ा सा दूध लेकर उसको फाड़ने जा रही हूँ, ताकि वो जो फट जाएगा दूध उसका खोया बनाएंगे, फिर उससे हम गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। गुलाब जामुन के लिए ये मैंने एक चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और आधा टीस्पून वो बेकिंग सोडा लिया है। फिर ये हमने लिया है दो चम्मच मैदा। ये दूध फाड़ के आपको पहले भी बता चुके हैं, एक कप दूध को फाड़ा हमने, मगर अगर आपके पास खोया अवेलेबल है तो आप खोया डालें, इसको ना डालें। ये सूखा दूध कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, चाहे एवरीडे का ले सकते हैं या रेम्बो का ले सकते हैं, कोई सा भी। तो ये हमने दो कप दो इसी ये प्याले दो प्याले हमने सूखा दूध लिया है। और ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम। ये घी है देसी और ये एक कप दूध है। अब इससे हम जा रहे हैं बनाने, पहले घी डालेंगे। घी डाल के इसमें हम ये गर्म हो जाए इसी में दूध डाल देते हैं, फिर इसको दूध को थोड़ी देर पकाएंगे। जब पक जाएगा तो इसी में हम सूखा दूध भी मिला देंगे और फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। ये हमने इसमें दूध में अब क्रीम मिलाए दे रहे हैं, ताकि दूध जो है, और क्रीम ऐसे मिक्स कीजिए बस, कि लम्स ना आए, क्रीम के पीसेस ना आने चाहिए, बस ऐसे मिक्स करते जाए। हो रहा है, इसी में हमने सूखा दूध मिलाया, एक और प्याला मिलाएंगे। अब देखिए बन गया है, ये इतना गाढ़ा हो चुका है दूध जो था, सूखा दूध और वाला दूध मिला के और क्रीम मिलाई इसके अंदर, इतना गाढ़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा और सूख जाए, तो फिर इसको बिल्कुल जैसे गोलियां बनने के लिए, इसके हमारा डो तैयार हो गया है आटे की तरह बिल्कुल। इसमें ज़रा सा मैंने घी और डाल दिया, ताकि इसको चिकना करने के लिए, इसे चिकना हो गया थोड़ा, ये देखिए पूरी बार। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। शीरा, हम गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार कर रहे हैं। इसमें दो कप पानी डाला है और दो कप चीनी डालेंगे। चीनी देखिए, दो कप चीनी डाली हमने। अब इसको पकाएंगे, जब पक जाएगा शीरे में अब हम दो ड्रॉप नींबू डालेंगे इसमें दो, और बस ज़रा सा चुटकी भर नमक डालेंगे। ये जो हमने दूध फाड़ा था उसका खोया सा बनाया था, तो आपके पास दो चम्मच खोया मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको मिक्स करेंगे, इसमें ऐसे करके इसमें मिक्स किया इसको, और इसी में हमने फिर ये मैदा मिक्स कर दिया जो मैदा आपको दिखाया था, और इसी में ये बेकिंग पाउडर और सोडा मिक्स कर दिया। अब ये सबका हम एक आटा ऐसा गूंद लेंगे, डो ऐसा, तो फिर उसके बाद इसकी ये देखिए आटा गूंदा गया है इसका, अभी डब तैयार हो गया है। ये ऐसे करके मैंने इसको ऐसे हल्का सा तेल हाथ में लेके चिकना कर दिया इसको मैंने, ताकि ये चिपके ना प्लेट में। अब इसके हम जो है बॉल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद तल देंगे बॉल्स को। इसको अगर आप आधा घंटा उठा के रख दें इस तरह बना के, तो और अच्छा बनेगा। हम तो बस जस्ट बना रहे हैं वैसे तो। ये देखिए हमने ये इसको ऐसे ले रहे हैं, और इसके अंदर हम पिस्ता भर देंगे, ताकि ये अच्छा फ्राई हो जाए। गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसको मैंने तेल पहले से तेल गरम करने रख दिया था, ये तेल गरम हो गया, अब धीमी आंच पे धीरे धीरे इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, काफ़ी हद तक ये लाल हो चुके हैं। अब बिल्कुल धीरे धीरे बहुत धीमी आंच पे इसको करना है लाल, ताकि अंदर से ये पक जाए, इसका मैदा जो है कच्चा ना रह पाए। ये गुलाब जामुन अब हमने फ्राई कर लिए हैं, अब इसको हम शीरे में डालेंगे, ताकि शीरे के साथ थोड़ी देर पक गई है। तो देखिए ऐसे डालते जाएंगे, इसमें इलायची भी ज़रा सी। और आप लोग जो मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और ये आप खाएं देखें, और ये आज रोमाना की बर्थडे है उसको डेडिकेट करते हैं, बहुत बढ़िया बने।